अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जमाली और मैं आप सब भाई को खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका अपना शॉप दिन जमाली, आप देख रहे हैं जमाली एवरी यूट्यूब चैनल। तो लव बर्ड इस टाइम गर्मियों में जैसे गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो हर बर्ड जो है ना वो डिस्टर्ब भी है, परेशान भी है। तो इस वजह से जो है ना आपको अपने लव बर्ड को जो है ना फ्लाइंग में रखना चाहिए, उनको माहौल ऐसा देना चाहिए जैसे उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, और जैसे वो फ्लाइंग करे उनको पानी वगैरह हर चीज़ वगैरह वो टाइम पे दें। आप अपने बर्ड को जो है ना पानी जो आप देना वो जो है ना टिकर के जो है ना प्याले में दें। उसमें ये रहेगा कि पहली बात तो ये कि उसका जो है ना पानी भी ठंडा रहेगा आपका, और वो जो बड़ा वाला होता है ना ठिकर का प्याला, अगर आप वो देखें देंगे और बर्ड भी आप फ्लाइंग में रखेंगे तो आपके बर्ड ना डिस्टर्ब होंगे और ना इंशाल्लाह वो एक्सपायर होंगे। तो इस वजह से आप अपने बर्ड को जो है ना खुला हुआ माहौल दें जिससे आपका बर्ड जो ना अपने हिसाब से जिए उस पर। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप अपने बर्ड को जो है ना ऐसा माहौल दें। ये देखें आप, हमने अपने बर्ड को ऐसा माहौल दिया है। ये देखें, ये जो है ना ये प्याला पड़ा हुआ है, मटके का प्याला, ये मैं बोल रहा हूँ ठिकर का। इस पर ये होगा कि ये सारे आके बैठेंगे और आपके जो बर्ड है ना पूरे के पूरे जो है ना इसको एंजॉय करेंगे और पानी भी पिएंगे और इसमें नहाएंगे भी सही, क्योंकि आपको जैसे पता है कि आजकल लोगों के पास जो है ना बर्ड एक्सपायर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो इस वजह से ही हो रहे हैं कि लोगों का थोड़ा सा जो है ना सेटअप सही नहीं है, जिनको पता नहीं है वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो इस वजह से आप जो है ना अपने बर्ड को केजेस वगैरह दे दें गर्मियों में, जैसे आपके पास गर्मी आ जाए आप बड़ा वाला केज दे दें और आप अपने बर्ड को जो है ना छोटे से केजों में से उठा दें। और उसके अलावा आप एयर कूलर भी दे दें, एयर कूलर भी आप दे दें अपने बर्ड को। अगर आपको आपके पास रूम है तो आप पंखा भी चला लें ऊपर, आप उनको पंखा भी चलाएंगे तो क्या होगा कि आपके बर्ड की आपकी एवरी की जो है ना टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेज आपका हो जाएगा। तो इसमें जो है ना आपके बर्ड जो है ना एक्सपायर नहीं होंगे और उसके अलावा आपके बर्ड एंजॉय भी करेंगे। बाकी उसके अलावा जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बर्ड को गर्मियों के मौसम में जो है ना पानी चाहिए होता है, सिर्फ पानी। आप उनको खाना अगर कम देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे एक दिन दिया वही खाना दूसरे दिन भी पड़ा हुआ है दाना, तो अगर वो दाना दूसरे दिन नहीं देंगे तो कोई फ़र्क, मगर इनको पानी जो है ना आप दिन में दो मरतबा जो है ना चेंज करें, आप इनका पानी दो मरतबा चेंज करें और अपने बर्ड को जो है ना खुला हुआ माहौल दें, एयर कूलर वगैरह इस्तेमाल करें। इस पर आपके बर्ड जो है ना एक्सपायर भी नहीं होंगे और तंदुरुस्त भी रहेंगे और वो कमज़ोर भी नहीं होंगे, वीक भी नहीं होंगे। तो इस वजह से आपने हमारा ये देखा, हमारे नीचे भी बर्ड पड़े हुए हैं, ये आप देखें ये नीचे भी हमारे फ्लाइंग केज में पड़े हुए हैं, कुछ पेड़ हमारे ऐसे भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, वो अलग केजेस में भी पड़े हुए हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, जगह हमारे पास बिल्कुल भी कम है, तो वो हमारे अलग से केजेस में भी पड़े हुए हैं। तो हम इनको भी देखें, यहाँ पे यही है कि एयर कूलर वगैरह चल रहा है तो हमारे बर्ड जो है ना वो अपने हिसाब से इंजॉय कर रहे हैं। तो आप देखें ये हमारे सारे बर्ड यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, ये हमारा एयर कूलर वगैरह चल रहा है, हमारे बर्ड जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सही है अल्लाह के करम से। तो मैं भी आप भाइयों को यही कहूँगा कि आप भी अपने बर्ड का ख्याल करें इस टाइम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ चल रही है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी परेशान करने वाली हैं। तो आप अपने बर्ड को एक्सपायर होने से बचाएँ और अपने बर्ड का ख्याल रखें। जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें।